हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हम ओम्स लॉ। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या कर लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कर दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया था, करंट के बारे में हमने पढ़ लिया, चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता ही है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या होता है आपका, एक ओम साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये अपना ये लॉ दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया था आपका, उन्होंने बताया था कि जो वोल्टेज होता है, ठीक है, वी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर आप किसी सर्किट, मान लो ये आपका सर्किट है, ठीक है, सर्किट आपने कुछ इस तरीके से बनाया, नहीं एक बल्ब लगाया है और उसमें यहां से आप वोल्टेज दे रहे हो, ठीक है, सपोज कुछ भी, तो ये आपका क्या हो गया वोल्टेज। अगर यहां से आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट है वो भी बढ़ेगी, और अगर आप वोल्टेज घटा रहे हो तो करंट भी घटेगी। ठीक है, ये कितना बताया, किसने बताया था, ओम्स ने, इसलिए हम इसको ओम्स लॉ कहते हैं। बट इसके लिए कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, आपकी जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है, जो फिजिकल कंडीशन है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। यानी जैसे आपका जहां पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या जिस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पे टेम्परेचर आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर जो है वो अभी आपका क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। कॉन्स्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आप वहां पे टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो उससे प्रेशर नहीं, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो उससे रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस चेंज हो जाने से क्या होता है, जो अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो तो करंट आपका सेम प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ता। ठीक है, तो कहने का मतलब यह कि वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तभी होगा जब आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो यही हमने यहां पे लिखा है कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है, शुड बी कॉन्स्टेंट, ये आपकी कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। ठीक है, तो इतना सा आपका ओम्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका अभी ट्वेल्थ में और आगे भी कॉलेज लाइफ में, जब भी आप कहीं भी जाओगे तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका, ये हर बार आता है आपका। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू लेते हो आर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू आर। अब ये जो R है आपका, ये है यहां पे रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, अपोज करना, किसका, करंट का। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट का अपोज करता है। यानी जैसे कोई मान लो ये वायर है, यहां पे आपका कोई करंट चल रहा है, तो इस यहां पे अगर आपने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया तो ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अपोज का मतलब इसके जो फ्लो होगा उसको अपोज करेगा, यानी यहां से क्रम करंट को जाने देगा। ठीक है, तो वो काम करता है आपका रेजिस्टेंस। ठीक, इतना समझ लो। अब यहां से देखो, अगर आप निकालो तो यहां से क्या आ जाएगा, आई को इसके नीचे ले जाओ तो आर, ठीक है, और वी अपॉन आई, आर हमेशा क्या है, आर हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए आपका। ठीक है, यह कॉन्स्टेंट रहता है अगर आपका ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है तो, जब भी आप वी और आई का रेशियो निकालोगे तो ये क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, आर की वैल्यू रहेगी वो आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर सपोज इसी सर्किट को हम ले लेते हैं, अगर हम वी और आई, ठीक है, और क्या है इसका, वी अपॉन आई निकाले, यानी आर निकाले, तो देखो क्या आता है। जैसे अगर मान लो आपने सपोज स्टार्टिंग में यहां पे 2 वोल्ट क्या दी, वोल्टेज दी, ठीक है, वोल्टेज कितनी दी, 2 वोल्ट दी, ठीक, और तो आपकी करंट सपोज इस सर्किट में कितनी जा रही है, 1 एम्पियर जा रही है, फिर आपने 4 एम्पियर वोल्ट दी तो करंट आपकी 2 एम्पियर हो गई, फिर आपने 6 वोल्ट दी तो आपकी करंट 3 एम्पियर हो गई। तो आपको दिख रहा है जब भी आप यहाँ पे V अपॉन I निकालो तो वैल्यू क्या आएगी, V की वैल्यू 4, I की वैल्यू 2, तो कितना आएगा, 2 ओम, यहाँ पे 6/3 तो ये कितना आएगा, 2। तो यानी ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है आपकी। ठीक है, तो ओम्स लॉ में आपको याद रखना V अपॉन I यानी कांस्टेंट। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ भी आपको पूछ लेता है कभी बनाने के लिए,
अगर आप वी और आई के बीच में ग्राफ बनाओगे वोल्टेज और करंट के बीच में, तो ये आपको एक सीधी लाइन मिलेगी ऐसे, ठीक है, लीनियर लाइन। तो इसको आर लिखते हैं, ये आपका क्या शो करता है, रेजिस्टेंस को, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, सेम रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जैसे अगर आप इसके, अगर आपने वोल्टेज दो बढ़ाया 2 वोल्ट, तो करंट सपोज आपकी 1 एम्पियर थी, ठीक, फिर आपने 4 वोल्ट बनाया तो आपकी करंट कितनी होगी, 2 एम्पियर। तो अगर आप ऐसे बनाओ मिलाओगे इस तरीके, तो जब आप इन पॉइंटों को मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, तो वही आपका आर होता है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है ओम्स लॉ के अंदर, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इसका स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है, और ये आपको ग्राफ याद रखना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, थैंक यू।